अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कोटी या फिर बेबी फ्रॉक, इस डिज़ाइन को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे, प्लस 2 फंदा हमें एक्स्ट्रा रखना है एडी स्टिच के लिए। तो इस तरह से हम पहले बॉर्डर बना लेंगे सिलाई में, 2 सिलाइयों में, उसके बाद से एक सिलाई इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए, शुरुआत के 2 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे टोटल मैंने 30 फंदा रखा हुआ है, 30 फंदा। तो देखिए इस तरह से शुरुआत के 2 फंदे हम उल्टा बनाएंगे, 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा हमारा आगे रहेगा और 3 फंदा यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे एक जाली हमारी बन के तैयार होगी और 1 2 3, 3 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का यहाँ पे हम एक करेंगे। तो देखिए इस साइड से हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से धागे को आगे लाना है, 2 फंदा हमें उल्टा बनाना है, 1 2। फिर से धागे को पीछे करके ये वाला फंदा हम पलटेंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक फंदा करना है। देखिए पीछे की साइड से हमें 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, 2 का एक कर लिया। फिर से 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे 2 फंदा शुरुआत का हमने उल्टा बनाया, यहाँ पे 3 फंदा हमने सीधा बुना, 1 यहाँ पे जाली बनी, 2 का एक किया। फिर से 2 फंदा उल्टा बुना, 2 का एक किया, 3 फंदा यहाँ पे सीधा बुना हमने। यहाँ पे हमारा टोटल 14 फंदा हो गया। धागे को आगे करेंगे, फिर से देखिए इन्हीं 14 फंदों को हमें रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, 1 यहाँ पे हमारी जाली बन के तैयार होगी। फिर से धागे को आगे लाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदा सीधा बनाने के बाद 2 फंदों का यहाँ पे एक करना है। तो देखिए इस साइड से आगे की साइड से हमें 2 फंदों का एक करना है। धागा आगे लाना है, 2 फंदा उल्टा, बीच का 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, अब देखिए ये वाला फंदा हमें इस तरह से पलट के 2 फंदों का एक कर रहा है पीछे की साइड से इस तरह से। देखिए 2 फंदों का एक फंदा करने के बाद 3 फंदा सीधा, 1 2 3। 3 फंदा सीधा करके धागे को आगे लाएंगे इस तरह से, सिलाई में हमें लपेटना है और 3 फंदा यहाँ पे लास्ट का हम अब देखिए डिजाइन का दूसरा सिलाई है, उल्टी साइड वाला फंदा इस तरह से उतारेंगे, 2 फंदा यहाँ पे हमें सीधा बनाना है इस तरह से। धागे को आगे लाएंगे, ये जाली वाला फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिए इस तरह से सिलाई में हमें लपेटना है और 3 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाना है, 2 फंदा हमें उल्टा बनाना है यहाँ पे, 1 2। और ये जो 2 फंदा हमारा है, 2 का एक किया था हमने इस तरह से, इसे हम उल्टी साइड से ऐसे सिलाई मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हमें आगे की साइड से सिलाई को पीछे लेके आना है और 2 फंदों का एक करना है। देखिए 2 फंदों का एक किया, धागे को पीछे करके 2 फंदा बीच का हम सीधा बनाएंगे। जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उसे हम उल्टी साइड से 2 फंदों को हमें सीधा बना लेना है, धागे को आगे लाना है और यहाँ पे 2 फंदा हम फिर से आगे की साइड से एक करेंगे, 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब 2 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, 1 2। एक जाली को भी हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, फिर से सिलाई में ऐसे लपेटेंगे और 1 फंदा बीच में हम उल्टा बनाएंगे। फिर से ये वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से लपेटेंगे और यहाँ पे 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब देखिए
दो फंदों का जो एक किया था हमने और एक फंदा, दो फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम आगे साइड से हमें पीछे सिलाई लेके आना है। इस तरह से हमें आगे साइड से पीछे सिलाई लेके आना है, दो फंदों का एक करना है। यहाँ पे धागे को पीछे करके दो फंदा बीच का सीधा बुनेंगे, एक दो। दो फंदा सीधा बनाने के बाद ये जो दो फंदा हमारा है इसे हम इस तरह से दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। जाली वाले को भी यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें लपेट लेना है और एक फंदा उल्टा बनाना है। धागे को पीछे करके दो फंदा हम सीधा बना लेंगे। दो सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखिए तीसरा सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए दो फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, एक दो। इस तरह से धागे को आगे लाएंगे और एक यहाँ पे सीधा फंदा बनाएंगे, एक हमारी यहाँ पे जाली बन के तैयार होगी। और ये जो दो फंदा है इसे आगे एक साइड से हम एक करेंगे इस तरह से। फिर से धागे को आगे लाना है, दो फंदा उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करेंगे, सीधा वाला फंदा इस तरह से पलटेंगे और दो फंदों का यहाँ पे एक करना है इस तरह से, एक फंदा सीधा। धागे को आगे लाएंगे, दो फंदा यहाँ पे सीधा बनाना है इस तरह से। बीच का फंदा भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर से यहाँ पे दो फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। धागे को आगे लाना है, एक फंदा सीधा, एक यहाँ पे हमारी जाली बन के तैयार हो गई। और ये जो दो फंदा है इसे आगे साइड से हम एक करेंगे इस तरह से, दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। धागे को आगे लाना है, दो फंदा उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करके अब फिर से यहाँ पे ये वाला सीधा वाला फंदा पलटेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। धागे को आगे लाएंगे, दो फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करके तीन फंदा यहाँ पे हम लास्ट का उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमने तीन सिलाई कंप्लीट कर ली। ये डिजाइन का चौथा सिलाई है, फोर्थ रो उल्टी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदा सीधा बनाना है, धागे को आगे करके अब तीन फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदा उल्टा बनाने के बाद इस तरह से सिलाई में धागे को लपेटेंगे और ये जो दो फंदा हमारा है इसे आगे की साइड से इस तरह से, देखिए हम आगे की साइड से पीछे सिलाई लेके आएंगे ऐसे, देखिए इस तरह से हमें लाना है और दो फंदों का एक फंदा करना है। दो फंदों का एक फंदा करना है, धागा पीछे, दो फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, धागा आगे, दो का एक करेंगे इस तरह से। सिलाई में धागे को लपेट के यहाँ पे हम सात फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ एक सात। देखिए इस तरह से हमने सात फंदा उल्टा बना लिया। अब धागे को इस तरह से सिलाई में लपेटेंगे और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरह से हम आगे की साइड से सिलाई को पीछे लेके आएंगे, सॉरी पीछे से आगे लेके आएंगे और दो का एक करेंगे, धागा पीछे करके दो फंदा सीधा, बीच का फंदा हमें सीधा बना लेना है। इसे धागे को आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, धागे को ऐसे सिलाई में लपेटना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो।
धागा पीछे करके दो फंदा हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमने चार सिलाई कंप्लीट कर ली। ये डिजाइन का पांच सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा इस तरह से उतार के एक फंदा उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करना है और यहाँ पे चार फंदा में सीधा बनाना है। एक दो तीन एक चार, इस तरह से हमें चार फंदा सीधा बना लेना है। और ये जो बीच का दो हमारा उल्टा फंदा है, इसे इस तरह से पीछे की साइड से हम आगे लेके आएंगे और ये सीधा वाला फंदा पीछे लेके जाएंगे। अब दोनों उल्टे फंदे को हमें लेफ्ट वाले सिलाई में उतारना है और ये जो सेकेंड वाला सीधा वाला फंदा है, इसे इस तरह से हमें सीधा बनाना है। इस तरह से सीधा फंदा बनाने के बाद धागे को आगे करेंगे और दो फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। एक दो, धागा पीछे करके लास्ट का फंदा, देखिए जो दूसरा फंदा हमारा सीधा वाला फंदा था, इसे सीधा बना लेंगे और ये वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से बन के तैयार होगा। फिर से देखिए हमें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा यहाँ पे बनाना है हमें। फिर से देखिए यहाँ पे नौ फंदा सीधा बनाने के बाद ये जो दो बीच का दो उल्टा फंदा है, इसे हम इस तरह से राइट साइड में लाएंगे, राइट वाले सिलाई में पीछे की साइड से, और ये सीधा वाला फंदा हम पीछे लेके जाएंगे। दोनों फंदों को इस तरह से हम लेफ्ट वाले सिलाई में उतारेंगे उल्टा वाला फंदा, और ये सीधा वाला जो फंदा है हमारा दूसरा वाला फंदा, इसे इस तरह से हमें सीधा बना लेना है। धागे को आगे करके दो फंदा हमें उल्टा बनाना है। एक दो, धागा पीछे करके ये दूसरा वाला सीधा फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे और ये सीधा वाला फंदा इस तरह से उतार देंगे। सॉरी, अब धागा पीछे करके यहाँ पे हमें चार फंदा सीधा बना लेना है। एक दो तीन चार, धागा आगे लाएंगे, तीन फंदा उल्टा। अब देखिए छह सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, दो फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके यहाँ पे पांच फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार एक पांच, धागे को पीछे करके दो फंदा सीधा बनाना है। एक दो, धागे को आगे लाएंगे, यहाँ पे ग्यारह फंदा हमें उल्टा बनाना है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारा बनके तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। धागा पीछे करके दो फंदा सीधा बनाना है। सीधा बनाने के बाद धागे को आगे लाएंगे, पांच फंदा उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, धागे को पीछे करेंगे, दो फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारा छह सिलाइयों का ये डिजाइन है। अब फिर से यहाँ से हम फर्स्ट पैटर्न रिपीट करेंगे। तो चलिए एक सिलाई को बुन के दिखा दे रहे हैं। पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को इस आगे ही रखना है इस तरह से, और तीन फंदा सीधा बनाना है। एक दो तीन, सीधा बनाने के बाद दो फंदों का एक करना है इस तरह से, धागे को आगे लाएंगे, दो फंदा उल्टा। एक दो, धागे को पीछे करना है, ये सीधा वाला फंदा पलटेंगे इस तरह से और दो फंदों का एक करेंगे, ऐसे दो तीन फंदा सीधा। एक दो तीन, अब ये जो बीच का हमारा सीधा वाला फंदा है, इस तरह से हम धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा बीच का सीधा बनाना है, धागे को आगे लाना है, फिर से तीन फंदा सीधा। एक दो तीन, दो का एक करना है यहाँ पे आगे की साइड से,
धागा आगे लाएंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागे को पीछे लेके जाना है और ये सीधा वाला फंदा पलटेंगे, दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागे को आगे लाएंगे इस तरह से सिलाई में लपेटेंगे और तीन फंदा यहाँ पे उल्टा बना देना है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसी तरह से हमारा डिजाइन बनके तैयार होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।